हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर्टिक विद टेक्नोलॉजीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आप अपने मैकबुक की केयर कैसे करें। और आज हम जो स्टेप्स देखेंगे वो बाकी ब्रांड्स के लैपटॉप के लिए भी है। तो आइए देखते हैं हमें किस तरीके से एक लैपटॉप की केयर करना चाहिए। सबसे पहले हमें लैपटॉप को यूज़ करना चाहिए एक हार्ड सरफेस पे, जैसे कि कोई हार्ड सरफेस, बिकॉज अगर ये लैपटॉप को आप किसी बेड पे, सोफे पे, कशन पे या फिर पिलो पे यूज़ करोगे तो इसके नीचे की तरफ वेंटिलेशन ग्रिल दिया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इसका वेंटिलेशन ग्रिल है, जहाँ से एयर बाहर की तरफ ब्लो होता है। तो अगर आप इसे कोई भी सॉफ्ट सर्फेस पर यूज़ करोगे तो इसका वेंटिलेशन ब्लॉक हो जाएगा और इंस्टेड ऑफ हवा बाहर की तरफ ब्लो होने के बदले इसके अंदर ही रोटेट होएगी, जिसकी वजह से इसका इंटरनल पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। अगर आपको ये लैपटॉप किसी सोफे पे या बेड पे यूज़ करना है तो आपको यूज़ करना है लैपटॉप राइजर। ये आपको अमेजोन पे या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो आप सोफे पे या बेड पे इसे रख के इसके ऊपर आपको लैपटॉप रखना है और आप इजीली लैपटॉप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये यूज़ करने से आपके लैपटॉप का वेंटिलेशन ब्लॉक नहीं होएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो एप्लीकेबल है सारे लैपटॉप्स के लिए। अभी हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक केयर ऑफ बैटरी। तो सबसे पहले हमें बैटरी को ओरिजिनल चार्जर से ही चार्ज करना है, आपको डुप्लीकेट चार्जर यूज नहीं करना है, बिकॉज दैट विल अफेक्ट द बैटरी एंड ऑल्सो इट विल अफेक्ट द मैकबुक। तो जब भी आप चार्ज पे लगाओगे ये ऑरेंज हो जाएगा और जब इसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी तो ये वापस से ग्रीन टर्न हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप इसे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। अगर इसे आप डिस्कनेक्ट नहीं करोगे तो इट विल अफेक्ट द बैटरी हेल्थ, और जब ये बैटरी फिर से 20% तक ड्रेन हो जाए तो आपको इसको फिर से चार्ज पे लगा देना है और वापस 100% चार्ज करना है। और वंस इन ए मंथ आपको इसकी बैटरी पूरी की पूरी ड्रेन कर देना है और फिर से इसको फुल चार्ज करना है, जिसको बैटरी कैलिब्रेशन भी कहते हैं। और आपको ओरिजिनल चार्जर यूज करना है, ये इसका ओरिजिनल चार्जर है और इसके यहाँ पर दो नॉचेस दिए हुए हैं। तो इस नॉचेस के अंदर आपको इसे फोल्ड नहीं करना है लाइक दिस, आपको थोड़ा ऊपर लेके देन आपको इसको रोल करना है। बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हो मैं इसे रोल कर रहा हूँ, आपको इसे स्ट्रेट रखना है ताकि ये बेंड ना हो, क्योंकि यहाँ से डैमेज होते हैं चार्जर। और इसके यहाँ पर एक बेसिक लॉक दिया हुआ है जैसे कि आप देख सकते हो, विच इज़ रोटेटेबल। अगर आपका कंप्यूटर डेस्क के नज़दीक में है तो आप इसे छोटा करके आप इसे लॉक कर सकते हो लाइक दिस। तो ये लॉक हो चुका है, तो आप इसे छोटा केबल बना के यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लॉक नहीं करना है तो आप इसे स्लाइड करके एज पे लेके आ जाइए और इसे इस तरीके से रोटेट करके इसे आप लॉक कर सकते हो। तो लाइक दिस, दिस इज लॉक। सो आपको इधर ध्यान देना है और इसके एजेस पे ध्यान देना है। स्टेप अभी हम डिस्कस करेंगे बेसिक लैपटॉप क्लीनिंग, जो आपको मंथली बेसिस पे करना है। तो आपको बेसिक एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करना है जो आपको इजीली अमेजोन पे मिल जाता है, और आपको यूज़ करना है एक बेसिक कॉलिन। आपको ध्यान देना है कि आपको डायरेक्टली कॉलिन बॉडी पे या लैपटॉप पे स्प्रे नहीं करना है, बिकॉज अगर लिक्विड इसके अंदर चले गया तो ये फिजिकल या लिक्विड डैमेज में आ सकता है। तो आपको बेसिकली कॉलिन को इसके ऊपर बेसिक स्प्रे करना है, स्प्रे करने के बाद इसको आप बॉडी को ईजिली क्लीन कर सकते हो। सिमिलरली आप इसका बैग भी क्लीन कर सकते हो। आपको थोड़ा ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। तो आउटर बॉडी शेल के लिए आप कॉलिन यूज कर सकते हो, इनर बॉडी के लिए भी आप बेसिक कॉलिन यूज कर सकते हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आप कीबोर्ड पे ज्यादा प्रेस ना करें, क्योंकि अगर लिक्विड कीबोर्ड के अंदर गया तो आपका मशीन डैमेज हो सकता है। तो बेसिक आप क्लीनिंग कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो, और अगर आपका मशीन ज्यादा डस्टी है तो आप यूज कर सकते हो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जो इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। और स्क्रीन के लिए माइक्रोफाइबर क्लॉथ से बेटर होगा आप ये माइक्रोफाइबर ग्लोव्स यूज करो, ये इजीली अमेजोन पे अवेलेबल है। यहाँ पर स्प्रे करना है 2-3 बार और स्क्रीन को वाइप करना है। एक बार वाइप करने के बाद आपको टर्न करना है और इसके जो टेंटेकल्स हैं उसे आपको बेसिक क्लीन करना है। ये आपका स्क्रीन एकदम ब्रांड न्यू हो चुका है, इसके ऊपर जो भी स्मजेस वगैरह फिंगरप्रिंट से एकदम क्लीन हो चुके हैं। और अगर आपके कीबोर्ड के बीच में काफ़ी सारे डस्ट वगैरह हैं तो उसके लिए आप काफ़ी सारे ब्रांड्स का क्लीनर आता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये
क्लीनिंग टूल आता है, तो ये स्मॉल स्प्रे है जिसे आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर मैकबुक। इस पेन को आप इसके बीच में रब करके इसका ये बेसिक क्लीनिंग कर सकते हो। लाइक दिस। और अगर डस्टी है तो आप, और अगर ये चीज डस्टी है तो आप कोई भी सॉफ्ट ब्रश लेके इसे क्लीन कर सकते हो। लेकिन आपको ये क्लीन करते समय ध्यान देना है कि आप ज़्यादा ताकत ना लगाएं और काफ़ी स्मूथली और लाइटली करें, ताकि आपका मैकबुक डैमेज ना हो। ये आपको काफ़ी इजीली और क्लीनली करना है डस्ट और इसके क्लीन करने के लिए। और एकदम सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी सॉफ्ट ब्रश है। ये हमारे पास है मोशी ब्रांड का। तो ये जो क्लीनिंग मैंने आपको बताया हूँ, ये आपको सिर्फ महीने में एक बार करना है, और अगर ज़्यादा गंदा नहीं तो आप इसे महीने या दो महीने में भी एक बार कर सकते हो। और अभी मैं जो आपको क्लीनिंग बताने वाला हूँ वो है इसके मैक्सिफ पोर्ट की क्लीनिंग, जो कि आपको 6 महीने में या साल में एक ही बार करना है। बिकॉज ये जो मैग्नेटिक मैक्सिफ पोर्ट है, ये काफ़ी सारे डस्ट अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से ये डस्टी हो जाता है, और इसे क्लीन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे क्लीन करने के लिए आप टूथब्रश भी यूज़ कर सकते हो, और आपको मार्केट से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेना है। आपको ध्यान देना है कि आपको लैपटॉप को कम्प्लीटली शट डाउन करना है। लैपटॉप शट डाउन करने के बाद आपको इसे बेसिक स्प्रे करना है हल्का सा, और इसके पोर्ट को 10 टू 15 टाइम्स आपको क्लीन करना है, जिससे इसका मैक्सेफ चार्जिंग पोर्ट एकदम क्लीन हो जाएगा। आप इसे 10 से 15 बार कर सकते हो, और ये होने के बाद ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, और आपको वेट करना है। सिमिलरली ये सेम स्टेप आप कर सकते हो मैक्सेफ चार्जिंग पोर्ट के साथ भी। ये मैक्सेफ चार्जिंग पोर्ट के ऊपर अगर आपको डस्ट दिख रहा है, क्लीन नहीं है, तो ये पोर्ट को भी आप क्लीन कर सकते हो इसी केमिकल से। लेकिन आपको याद रखना है, इसे आपको डिस्कनेक्ट करके ही क्लीन करना है। और क्लीन करने के बाद आपको तकरीबन 2 से 4 मिनट वेट करना है। और ये जो मैग्नेटिक मैक्सेफ पोर्ट क्लीनिंग है, ये एप्लीकेबल है सिर्फ मैक्सेफ मैग्नेटिक पोर्ट के लिए, बिकॉज टाइप सी पोर्ट्स के अंदर आपको क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है। और ये आपको 6 महीने में एक ही बार करना है, और क्लीन करने के बाद आपको तकरीबन 2 से 4 मिनट वेट करना है, तो इससे आपका मैकबुक ओवरऑल क्लीन हो जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक फाइनल स्टेप के बारे में, जो कि एक ऑप्शन स्टेप है, जो कि है अप्लाइंग ऑफ स्क्रीन गार्ड और कीबोर्ड गार्ड। ये एक स्क्रैच गार्ड है जो आपको 3 ऑप्शंस में आ जाते हैं, ग्लॉसी, मैट और प्राइवेसी फिल्टर। तो ये हम इसके लिए रिकमेंड करेंगे, बिकॉज ये रहने से आपका एक्चुअल स्क्रीन सेफ रहेगा, एट द सेम टाइम इसके ऊपर कोई कीबोर्ड के इम्प्रिंट्स नहीं आएंगे, और ये स्क्रैचेस और स्मजेस से बचेगा। और इसे आप ईयरली एक बार चेंज कर सकते हो, ताकि आपका स्क्रीन सेफ रहे। ये जो इसका सिलिकॉन की गार्ड है, ये हम इसके लिए रिकमेंड करेंगे, बिकॉज ये की गार्ड आपके लैपटॉप को सेफ करेगा। अगर आपका कोई डस्ट पार्टी के लिए लिक्विड स्पिल हो जाता है, तो आपकी कीबोर्ड सेफ रहेगा, एट द सेम टाइम आपका मैकबुक को भी कहीं हद तक ये बचाएगा। तो ये एक ऑप्शन स्टेप था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये की गार्ड और स्क्रैच गार्ड लगाना है या नहीं। तो ये था आज का हमारा बेसिक वीडियो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ओवरऑल लैपटॉप की लाइफ इंक्रीज करने के लिए और इसकी कंडीशन को अच्छी रखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपके कुछ भी क्वेश्चंस तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।